स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। टेंसेस की हम दो वीडियोस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, राधा गाना गाती है। ये आपका ये टेंस है, राधा गाना गाती है। जब हम इनके नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे तब ये धीरे धीरे साथ साथ में और भी क्लियर होते जाएंगे। अभी बस सबसे पहला काम है इन 12 टेंस को मैं हिंदी में बोलूंगा, आप अपना मिलाते जाए, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। पहला ये रहेगा राधा गाना गाती है और इसका आंसर है राधा सिंग्स ए सॉन्ग। दूसरा आपका रहेगा राधा ने गाना गाया, इसमें क्या हो जाएगा, सिंग्स की जगह केवल सैंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, साथ में समझते हैं। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या एसएस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट और पास्ट में अंतर यही है, केवल यहाँ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का, जहाँ हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब का, जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है वहां डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म कर दीजिए। जैसे यहाँ पे बी से वाज कर दिया, यहाँ पे हैज हैव से हैड कर दिया, या हैव बीन से हैड बीन कर दिया। इन दोनों टेंसों में बड़ी कॉमन चीज है, हेल्पिंग वर्ब की केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म कर दीजिए। पूरा जो प्रेजेंट का ये पोर्शन है, ये पूरा पास्ट का पोर्शन बन जाएगा, इसलिए राधा सैंग ए सॉन्ग। अगली बात के ऊपर बात करता हूं, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी एक कॉम्बिनेशन है, उनके बीच में भी एक लिंक है। वो लिंक क्या है, प्रेजेंट टेंस में विल या शैल को जोड़ दीजिए, आपका पूरा फ्यूचर बन जाएगा। कहीं भी देख लीजिए आप, यहां से राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इज आया है बी से, मैं यहां लिखना चाहूंगा, ये लिख दिया मैंने आपको राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। इज कहां से आया था, बी से, और आप खुद ही बोलते बेटा कि विल और शैल के बाद में प्योर शुद्ध वर्ब आती है, शुद्ध वर्ब बी है। जैसे शुद्ध वर्ब डज नहीं है, डू है, शुद्ध वर्ब सिंग्स नहीं है, सिंग है, तो जैसे सिंग से सिंग्स बना हुआ है, वैसे ही बी से इज बना हुआ है। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, इस टेंस में मैं विल को ऐड करता हूं। कैसे ऐड करूंगा, ऐसे करूंगा राधा विल बी, देखो विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। अब मैं कहूं राधा गाना गा रही है, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा गाना गा रही होगी, राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, मींस प्रेजेंट टेंस में आप विल या शैल को ऐड कर दीजिए, पूरा टेंस फ्यूचर बन जाएगा। इसीलिए मैंने आपको टेंस इस टेबल के हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश की है। अभी आगे बढ़ते हैं, पहला बात है राधा गाना गाती है, बेटा आप सभी मिलाते रहिए, एक बार में लगातार बोलता हूं राधा सिंग्स ए सॉन्ग, धीरे बोलूंगा राधा ने गाना गाया, राधा सैंग ए सॉन्ग, एस ए क्या लिख दिया है, राधा गाना गाएगी, राधा विल सिंग ए सॉन्ग, राधा विल सिंग ए सॉन्ग, कहा राधा सिंग्स ए सॉन्ग, विल आ गया तो फिर ये शुद्ध फॉर्म आएगी, एस ए से लिखाएगा। और देखो टेंस ने वही किया है, प्रेजेंट में मैंने विल को ऐड कर दिया, फ्यूचर बन गया है, लेकिन ध्यान रहे विल सेल के बाद में वर्ब की जो फॉर्म है वो हमेशा अपने शुद्ध प्योर फॉर्म में रहती है, शुद्ध रूप में रहती है। नेक्स्ट ये तीनों आपके इंडेफिनिट है, राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा सैंग ए सॉन्ग, राधा विल सिंग ए सॉन्ग। अगला राधा गाना गा रही है, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, और राधा विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। हिंदी में कहूं राधा गाना गा रही है, राधा गाना गा रही थी, राधा गाना गा रही होगी, इंग्लिश आपने बना ली है। तीसरा मैं आता हूं परफेक्ट पे, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है। राधा गाना गा चुकी है, राधा हैज थर्ड फॉर्म है संग ए सॉन्ग, थोड़ा लिख देता हूं राधा हैज संग ए सॉन्ग, यही से आपको समझना है ऐसे राधा हैज संग ए सॉन्ग,
आपका प्रेजेंट है। राधा गाना गा चुकी है, राधा गाना गा चुकी थी, केवल क्या चेंज होगा? सिंपल है, केवल हैड की जगह हैड हो जाएगा, बाकी जो चीज है वो कभी चेंज नहीं होती है। प्रेजेंट क्योंकि मैंने बोल दिया है, प्रेजेंट और पास्ट में अंतर एक ही है, वर्ब को केवल आप चेंज कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब है तो पहले है तो कर दीजिए, फिर वर्ब चेंज होगी। चेंज एक ही तरह से होता है, या वर्ब चेंज होगी यदि वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, हेल्पिंग वर्ब है तो केवल हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी। फ्यूचर टाइम मैंने क्या बताया है, विल या शैल लगा दीजिए, इसमें क्या जाएगा राधा विल। अब देखो हैज का वही नियम आप दोबारा रिमाइंड करोगे, हैज कुछ नहीं है, हैव एक्शन में हैव तो हैज तो एक्शन में आ रहा है, एसोसिएशन में आ रहा है, इसलिए प्योर फॉर्म आएगी। तो राधा विल हैव संगे, देखो ये चीज चेंज नहीं हुई है, ये चीज चेंज नहीं हुई है, केवल क्या चेंज हुई है ऐसे ही इन तीनों में, इन तीनों में, इन तीनों में। अगला बेटा आप ये बनाएंगे, इसकी हिंदी बनाएंगे, राधा सुबह से गाना गा रही है, राधा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। बेटा सिंस का यूज होता है जब टाइम फिक्स है, सुबह से जनवरी से 5 बजे से मंगलवार से, वहां सिंस आता है, जहां फिक्स नहीं है 10 मिनट से, 2 घंटे से, 5 दिन से, 3 सप्ताह से। अब हमें नहीं पता वो 2 घंटे कौन से वाले हैं, किस टाइप, तो वहां पे फोर का ही होता है, इसलिए इन तीनों टेंस को सिंस और फोर वाले भी बोलते हैं। इसलिए आपको ये कहा था राधा हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे केवल हैज बीन की जगह हैड बीन आ गया, बस हिंदी में राधा सुबह से गाना गा रही थी, राधा हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, राधा सुबह से गाना गा रही होगी, राधा विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब मैं आपको इसके नेगेटिव सिखाता हूं, नेगेटिव में आपको इस 12 टेंस में से 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10 ये 10 टेंस वो हैं जिनमें एफिर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगती है, यहाँ विल और शैल लगती है, यहाँ इंजेमार है, यहाँ वाजवर है, यहाँ ये है, इसी प्रकार से लगती है। केवल 2 टेंस ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल सेंटेंस में नहीं लगती, जैसे हमने अभी एक टेंस किया था राधा गाना गाती है, उसका मैं लिखा राधा सिंग्स ए सॉन्ग, राधा ने गाना गाया, ये हो जाएगा राधा सैंग ए सॉन्ग, राधा गाने गाएगी राधा विल सिंग ए सॉन्ग। ये मैंने तीनों लिखे हैं इंडेफिनेटली। इसके बाद इसका एक सुविधा है, मेरे को आपको बताना ये कि इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना बहुत आसान है। पहले मैं इसका बनाता हूं नेगेटिव, क्या बनेगा पता आपको, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दो, बस बहुत आसान है, राधा विल नोट सिंग ए सॉन्ग, बड़ा इजी है। यहां से करेंगे आप राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, सभी में हाँ यहाँ वैसे विल भी है ना, तो आप मेरे को ही एग्जांपल को याद करो, जब गेम खेलना होता है तो एक ही आदमी जाता है, नोट लगाना है तो केवल विल के बाद आ जाएगा, विल नॉट बी, विल बी नॉट नहीं रहेगा, ऐसे ही यहाँ पे विल हैव बीन है तो आपका नॉट यहाँ आएगा, विल हैव है तो विल नॉट हैव आएगा, क्योंकि इनमें डबल हेल्प वर्ब है, विल भी है, हैव भी है, दोनों के। तो ये बहुत आसान था किसी भी तरह से, लेकिन इनमें हेल्पिंग वर्ब सिंपल टेंस में नहीं है, इसीलिए एग्जाम में सेंटेंस भी इन्हीं के आते हैं। मान लिया एग्जाम में मैंने ये वाक्य दे दिया और मैंने ये बोल दिया कि इस वाक्य को आप इंटरोगेटिव बनाइए,
या नेक्स्ट तो राधा जी नोट बना के आओ इस वाक्य को आप इंटेलिजेंट बनाइए। आप केवल इस विल को यहां से उठा करके सबसे पहले ले आएंगे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो क्या रह जाएगा कि विल राधा सिंग ए सॉन्ग। अरे ये नहीं अक्सर नहीं राधा विल सिंग ए सॉन्ग विल राधा सिंग ए सॉन्ग केवल है। इसीलिए इंग्लिश में हिंदी में राधा गाना गाएगी राधा गाना गाएगी तीन शब्द है। क्या राधा गाना गाएगी चार शब्द है लेकिन यहाँ पे देखो राधा विल सिंग ए सॉन्ग पांच है विल राधा सिंग ए सॉन्ग पांचवी वर्ड है लेकिन सेंस चेंज हो गई है। केवल हमको सीखना ही होता है इन दो को थोड़ा ध्यान से समझना होता है। अब यहाँ क्या लिखा है डू या डज इन ब्रैकेट क्या है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव मतलब हमने डू या डज का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में करना है। इसी प्रकार यहाँ डिड का प्रयोग करना है ये लिखा हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। इसका मैं बताता हूँ राधा सिंग्स ए सॉन्ग इसका नेगेटिव कैसे बनाऊंगा मैं ऐसे बनाऊंगा राधा डज नॉट डज नॉट नोट लगाने के लिए मेरे को हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ा पड़ता है लिखा हुआ पे। फिर जो सिंह के साथ में जो एस की एस था ये नहीं लगना सिंह है फिर उसका यूज करना क्योंकि इसी का जो एस सी एस है ये डू के साथ में लग चुके हैं कितनी अच्छी बात। यहाँ से आप करके राधा सेंगे सॉन्ग अब हम यहाँ पे आएंगे कि हमें डू लगाना है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगाना है। मैं लगा देता हूँ कैसे लगाता हूँ राधा डिड नॉट अब देखो क्या होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब क्यों आएगी जैसे डू यहाँ पे डू आनी है एस सी एस को ले लिया सिंपल बच गया यहाँ तो सेंग है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मैं तो डू से हिटेड बना चुका हूँ अब मुझे सिंग से सेंग बनाने की जरूरत नहीं है डिड नॉट इसके बाद में सिंग है सॉन्ग तो ये आपका इन दोनों का मैंने बना दिया नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव कैसे बनेगा डू या डज लगाएंगे या यहाँ पे डिड लगाएंगे बाकी का आसान है किसी का लिख लीजिए आप ये है राधा ने गाना गा लिया था इसका मैंने ये लिख दिया आप यहाँ देख रहे हैं कि राधा है दे संग ए सॉन्ग इसका नेगेटिव बनाना है बहुत आसान है मेरे पास तो मेरे पास ये घर की चेयर है मेहमान आया और मैंने नोट को बैठा लिया इसमें क्या दिक्कत है यहाँ पे लेकर क्या आना पड़ता है आधा लिखा मेरे पास सिंपल नोट लगा दिया मतलब दस टेंस में हमें नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आपकी ही भाषा में कहूँ जस्ट वी विल हैव टू इंसर्ट नोट आफ्टर वर्ब इतना ध्यान है कि जहाँ आफ्टर हेल्पिंग वर्ब सॉरी इतना है कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब विल है विल बी दो है विल हैव दो है तो नोट को एक के बाद ही लगाते हैं। ये था आपका नेगेटिव टेंस बनाने का एक पैटर्न। अब मैं इसी वीडियो में ही इंटरोगेटिव बनाने का भी करना चाहता हूँ इसी बात को लेंगे हम एक ही सेंटेंस को लेंगे क्योंकि उसके बाद तो मैं आपको एग्जाम्पल देता रहूँगा मैं आपको होमवर्क भी देता रहूँगा हमने इसी से रिलेटेड होमवर्क देना है सेंटेंस को चेंज करने का देना है। अगला पैटर्न ये रहेगा कि मैं आपको सेंटेंस दूंगा कि इन सभी सेंटेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाओ और मैं वो यही दूंगा कि नहीं कोई भी नहीं देगा पता है इसका नोट लगाना है इन्हीं को देना सेंटेंस को ही। चलो अब मैं वही वाक्य दे दिया मैंने आपको कि राधा सिंग्स ए सॉन्ग मैंने आपको बोल दिया बेटा इसका इंटरोगेटिव बनाओ पहले मैं इसका राधा की सिंग के सॉन्ग एक बार मैं साथ में ये वाक्य भी नहीं मान लिया राधा की सिंगिंग कोई आपको ये कहे कि इसका इंटरोगेटिव बनाइए आप क्या करोगे सिंपली इस इज को शुरू में ले आओ
राधा सिंह जी ने हो गया, मतलब सब्जेक्ट से पहले ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ले आओ, सब्जेक्ट से पहले ले आओ, तो वो वाक्य क्या बनेगा? इंटरोगेटिव बन जाएगा। ये था कि राधा विल बी इज की जगह राधा विल बी सिंगिंग ऐसा होता तो कैसे बनता? सब्जेक्ट से पहले ये दोनों आएंगे या एक आएगा? आप समझ गए? क्योंकि यदि नॉट आता तब भी एक के बाद आता है, तो केवल विल पहले आएगा। ऐसे लिखा जाएगा विल राधा बी सिंगिंग एक ही पहले आएगा। तो ये दस तो आसान है। अब मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिया, बाकी भी सेम ऐसे ही है। यहाँ पे है हो गया, लेकिन इन दोनों में फिर आ गया। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ टेंस तो दो ही है, मैं तो यही इन इसे बाकी सभी टेंस बने हुए हैं। अब देखो यहाँ तो मैंने कितना एक था, इसको पहले ले आया कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पे इसका मैंने इंटरोगेटिव बनाना है, तो मैं सोचता हूँ कि डू या डज का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। पहले सोचना ये है कि डू लगाए या डज लगाए। सब्जेक्ट सिंगुलर है क्या करेंगे? डज लगा देंगे, प्लूरल है तो डू लगा देंगे। तो सब्जेक्ट से पहले मैंने लगा दिया डज, डज राधा। अब बताइए इसका एस को साथ में हटाऊं या छोड़ दूं? आप समझ गए, आप क्या कहेंगे? सर आप इसको छोड़ दो, आप मेरे साथ मोबाइल पे भी बोलते रहो। ये मैं सोचो कि सब तो बहुत दूर बैठे हैं, आंसर देख रहे हैं, साथ साथ बोलने से बड़ा बढ़िया सीखा जाता है। आप साथ बोलते रहे राधा डज राधा सिंग है सॉन्ग, बस ये वाक्य आ जाता दूसरे टेंस का। ये पास्ट इंडेफिनिट का आ जाता राधा सेंग ए सॉन्ग, ये वाक्य आ गया। और मैंने बोल दिया इसका आप इंटरगेटिव बनाइए। सेंग का मतलब ये वाक्य है, नेगेटिव इंटरगेटिव में डिड लगता है। यदि ये डिड लगाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो इसका क्या बनाएंगे? आपने समझा कि सर हम इसमें इससे पहले डिड लगाएंगे, डिड राधा। अब इसको सिंग सेंग को या सिंग को बोल सिंग, ठीक है डिड राधा सिंग है सॉन्ग। ये साबित होती है साइन ऑफ इंटरप्रेटिव, वो जरूरी साबित ये बन गया। तो कल जो आपको मैंने होमवर्क दिया था उसमें मैंने एक वाक्य दिया था, क्या दिया था? राधा गाना गाती है और आपने उससे 12 वाक्य बनाए थे। आज आपको उन्हीं 12 सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है। हिंदी मेरी में जरूरत नहीं है, सिंपली उसका आप नेगेटिव बनाइए, सिंपली आप उसका इंटरोगेटिव बनाइए, उसके बाद में आपका जो टेंस का पैटर्न है ये पूरा है। फिर हम 2 दिन होमवर्क करवाएंगे ताकि आप इसको मैक्सिमम कर सकें। थैंक यू, और होमवर्क पूरा आप जरूर करेंगे, कोताही नहीं करेंगे। थैंक यू।